आजकल आप रोजाना जोशीमठ के बारे में सुन रहे होंगे और आप में से बहुत से लोग यहाँ शायद कभी गए भी होंगे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि जोशीमठ या ज्योतिर्मठ भारत की उत्तराखंड स्टेट के चमोली जिले में सिचुएटेड एक नगर है, जहाँ हिंदुओं की प्रसिद्ध ज्योतिष पीठ है। यहाँ 8वीं सदी में धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ था और बद्रीनाथ मंदिर तथा देश के विभिन्न कोनों में 3 और मठों की स्थापना से पहले यहीं उन्होंने सबसे पहले मठ की स्थापना की। विंटर सीजन में इस शहर में बद्रीनाथ की गद्दी विराजित होती है, जहां भगवान नरसिंह के सुंदर और पुराने मंदिर में इसकी पूजा की जाती है। बद्रीनाथ औली और नीति घाटी से बेहद नजदीक होने की वजह से जोशीमठ एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस बन गया है। लेकिन अब यही जोशीमठ गहरी मुसीबत में है। जोशीमठ में घर और सड़कों पर आ रही दरारों और लगातार होती लैंडस्लाइड के कारण ये शहर कभी भी डूब सकता है और इससे यहाँ पर रहने वालों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन यह एकमात्र ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर खतरे के बादल मंडरा रहे हों। देश में ऐसे और भी क्षेत्र हैं और आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि देश के वो कौन से शहर हैं जहां पर जोशीमठ जैसा हाल हो सकता है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि सरकार जोशीमठ के लिए क्या कर रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं जोशीमठ के खतरे की। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सरकार को ये पता था कि जोशीमठ पिछले 50 साल से डूब रहा है। करीब 50 साल पहले केंद्र सरकार ने गढ़वाल के उस वक्त के कलेक्टर M.C. मिश्रा को ये पता लगाने के लिए अपॉइंट किया था कि जोशीमठ क्यों डूब रहा है। उनके नेतृत्व वाली 18 सदस्यीय कमेटी द्वारा इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट पेश की गई। इसमें साफ तौर पर बताया गया कि उत्तराखंड में जोशीमठ एक पुराने भूस्खलन क्षेत्र यानी लैंडस्लाइड पर स्थित है, और अगर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जारी रहा तो यह डूब सकता है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि जोशीमठ में निर्माण पर बैन किया जाए, वरना यह डूब जाएगा। रिपोर्ट इससे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं हो सकती थी। अब जब जोशीमठ इस कगार पर आ खड़ा हुआ है तो हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या क्या कहा गया जिस पर उस तरह से विचार नहीं किया गया जैसे कि होना चाहिए था। तो चलिए जानते हैं। जैसा कि 1976 की मिश्रा समिति की रिपोर्ट ने बताया था, जोशीमठ एक लैंडस्लाइड पर स्थित है जो चट्टान नहीं बल्कि रेत और पत्थर के जमाव पर टिका है। अलकनंदा और धौलीगंगा रिवर पहाड़ के किनारों को मिटाकर लैंडस्लाइड को ट्रिगर करने में अपना रोल निभाती हैं। डेवलपमेंट एक्टिविटीज में इंक्रीमेंट और बढ़ती पॉपुलेशन इस रीजन में लगातार लैंडस्लाइड्स में योगदान देगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि रिपोर्ट में कहा गया कि जोशीमठ रेत और पत्थर का जमाव है, ये मुख्य चट्टान यानी मेजर पीक नहीं है, इसलिए ये एक बस्ती या शहर के लिए सही नहीं था। भारी ट्रांसपोर्टेशन और ब्लास्टिंग की वजह से हुई वाइब्रेशन से नेचुरल एक्टिविटीज में इम्बेलेंस पैदा होगा। इसमें कहा गया कि सड़क की मरम्मत और डेवलपमेंट कार्य के लिए सलाह दी जाती है कि पहाड़ी की तरफ खोदकर या विस्फोट करके पत्थरों को ना हटाया जाए। इसके अलावा भूस्खलन क्षेत्रों में पत्थरों और शिलाखंडों को पहाड़ी के नीचे से नहीं हटाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाएंगे। ढलानों पर जो दरारें बन गई हैं उन्हें सील कर देना चाहिए, लेकिन इसका पालन पिछले 50 साल से नहीं किया गया है। भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड क्षेत्र में पेड़ों को काटने के खिलाफ भी सलाह दी गई है और कहा गया कि मिट्टी और जल संसाधनों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से मारवाड़ी और जोशीमठ के बीच क्षेत्र में मैसिव ट्री प्लांटेशन का काम किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया कि इमारती लकड़ी और जलाऊ लकड़ी के साथ बस्ती की आपूर्ति के लिए पेड़ों को काटने को कड़ाई के साथ रेगुलेट किया जाना चाहिए, और ये भी बहुत जरूरी था कि लोकल लोगों के लिए फ्यूल के अल्टरनेटिव सोर्सेज अरेंज किए जाएं। क्षेत्र में पानी का लीकेज बहुत ज्यादा है, इसलिए फ्यूचर में किसी और लैंडस्लाइड को रोकने के लिए पक्के वाटर इवैक्यूएशन सिस्टम के डेवलपमेंट से खुले बारिश के पानी के लीक को रोका जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कि पानी को किसी भी गड्ढे में जमा नहीं होने देना चाहिए, इसे सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाने के लिए नालियों का निर्माण भी किया जाना चाहिए। लेकिन अफसोस, इन पर ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया और आज जोशीमठ डूबने की कगार पर है। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने एक बार फिर से एक 8 सदस्यीय एक्सपर्ट पैनल का गठन किया, जिसने सिफारिश की है कि सबसे ज्यादा नुकसान वाले रीजन्स में घरों को ध्वस्त कर दिया जाए और रहने योग्य क्षेत्रों की पहचान की जाए, और साथ ही साथ लोगों को प्रायोरिटी के आधार पर डिस्प्लेस और रिलोकेट किया जाए। उत्तराखंड सरकार ने सुरक्षा और बचाव कार्यों के लिए चमोली को 11 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की है।
लेकिन दुख की बात तो ये है कि सिर्फ जोशीमठ इस परेशानी से नहीं जूझ रहा है। गढ़वाल के अन्य इलाकों में भी जमीन धंसने और मकान में दरारों की आ रही फोटोज ने स्टेट और देश भर में हड़कंप मचा रखा है। जहां एक ओर जोशीमठ की स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है, तो वहीं गढ़वाल के ऐसे 25-30 गांव और हैं जो भूधसाव और घरों में दरारों का दंश झेल रहे हैं। टिहरी जिले के पास लोकेटेड नरेंद्र नगर के अटाली गांव में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन के निर्माण से अटाली गांव के कुछ परिवारों की कृषि भूमि सहित मकानों पर दरारें पड़ गई हैं। अटाली गांव की कृषि भूमि पर पिछले 2 से 3 दिनों से 1.5 फुट तक दरारें पड़ चुकी हैं, जिसके चलते गांव के कई घर खतरे की जद में आ चुके हैं। गांव में पड़ रही दरारों को देखते हुए अटाली गांव के पीड़ित परिवारों में रेलवे विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्होंने रेलवे निर्माण कार्य का विरोध नहीं किया, मगर अब गांव की कृषि भूमि और घरों पर दरारें पड़ रही हैं। उत्तर काशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे के ऊपर वाड़िया गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। साल 2013 की आपदा के दौरान यमुना नदी के उफान पर आ जाने से इस गांव के नीचे कटाव होने लगा था और धीरे धीरे गांव के घरों में दरारें आने लगी। वहीं यमुनोत्री धाम को जाने वाला एकमात्र नेशनल हाईवे भी धंसने लगा। हालांकि रिवर साइड में प्रोटेक्शन वर्क से भूधंसाव हल्का हुआ है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। इस गांव में करीब 100 से अधिक परिवार रहते हैं। गांव के लिए की जाने वाली बिजली सप्लाई के खंभे भी अब तिरछे हो गए हैं। रुद्रप्रयाग जनपद के तहत विकास खंड अगस्त्य मुनि का मरोड़ा गांव भी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की भेंट चढ़ा है। इस गांव में भी मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी हैं और अब गांव पूरी तरह से खाली हो रहा है। अब आप सोचिए कि ये समस्या कितनी ज्यादा गंभीर है। क्या डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी साथ नहीं चल सकते? और अगर कमेटी की बात माननी ही नहीं होती तो सरकार इन्हें बनाती ही क्यों है? ये सब सोचने वाली बात है, वरना आने वाले दिनों में ऐसे तबाही के मंजर और भी देखने को मिलेंगे। आपका इसके ऊपर क्या सोचना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।